भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, बलदाऊ जी महाराज की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दुर्विजय सिंह साके जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, माननीय सांसदगण श्री सतीश गौतम जी, श्री अनूप प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी हमवीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश चौधरी जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री अनिल पराशर जी, श्री रविंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उपस्थित स्वर्गीय श्री कृष्णलाल दिनेश जी के पौत्र और स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र, एक युवा कर्मठ प्रत्याशी श्री सुरेंद्र दिलेर जी और उपस्थित खैर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मैं इस उपचुनाव के माध्यम से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। अलीगढ़ कैसा होना चाहिए, उसमें खैर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने और जब अपना जनप्रतिनिधि होता है तो उसका लाभ किस रूप में प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। लोग तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने जवाब दिया कि नहीं, हमें डबल इंजन चाहिए और डबल इंजन में भी एक ऐसी सरकार चाहिए जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को भी दिला सके और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी दे सके, और वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दे सकती है। बहनों और भाइयों, विरासत और विकास का कुछ संगम क्या होता है, यह आपने काशी में भी देखा है,
वृंदावन बरसाना में भी आप देख रहे हैं, और आपको अलीगढ़ से ज्यादा अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा कि जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने पूरी तरह बुला दिया था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर भी एक राज्य विश्वविद्यालय आपको हम लोगों ने समर्पित किया है। बहनों और भाइयों, ये राज्य विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने आवश्यक है। आपने देखा होगा कल माननीय उच्चतम न्यायालय में अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आप याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से चलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं, और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन इस सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है, क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण की सुविधा का लाभ मिलना चाहिए, नौकरी में भी मिलना चाहिए, और अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बच्चों को प्रवेश में भी वहां सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन क्यों बंद किया गया? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाज पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि इन सबको वोट चाहिए, वोट, वोट बैंक को बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लोग इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने इससे पहले पिछले सप्ताह देखा होगा जम्मू कश्मीर विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार है, उसने प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में फिर से 370 की बहाली होनी चाहिए। बहनों और भाइयों, ये जानते हुए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं चाहते थे कि भारत के संविधान में धारा 370 जुड़े, लेकिन पंडित नेहरू की जिद ने जबरदस्ती इस धारा को भारत के संविधान में जुड़वाया। और भारतवासी जानता है कि कश्मीर के अंदर आतंकवाद की जड़ धारा 370 है, लेकिन उस सबके बावजूद धारा 370 को हटाने का कभी भी प्रयास कांग्रेस के द्वारा नहीं किया गया। और जब 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के हित में, राष्ट्रीय अखंडता के हित में कश्मीर में धारा 370 को हटाने का एक निर्णय लिया, दूरगामी सोच के साथ निर्णय लिया, और पिछले 5 वर्षों के अंदर कश्मीर के अंदर विकास और सुरक्षा का एक बेहतरीन माहौल मिला, आज लाखों पर्यटक कश्मीर में आते हैं, तब फिर से उस कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बनाने के लिए इस शरारत प्रारंभ हो चुकी है। भारत के
का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर एक बार फिर से मजहबी उन्माद के कोण में उसको बदलने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। मजहबी जनून का एक फेयर हाउस उसको फिर से बनाने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। और इसीलिए आपसे कहने के लिए आए हैं, जो मैं आपसे कहता हूं कि कांग्रेस जब भी सफल होगी आपको विभाजित करके सफल होगी। अब इसीलिए मैं कहता हूं, बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये देश का इतिहास बताता है, बटे थे तो राम मंदिर का मान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की, कृष्ण कन्हैया की जन्मभूमि का अपमान हमारे सामने आया था, भगवान विश्वनाथ का अपमान हमारे सामने आया था। क्या कुछ नहीं हुआ था हमारी मां बहनों के साथ में? क्या कुछ नहीं हुआ था बहन और बेटियों के साथ में? अगर इस सब के बावजूद भी गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी बांध करके हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं, अपने स्वार्थों में बटे हुए हैं, तो बहन और भाइयों, कटने के सिवाय हमारी दूसरी नियति नहीं हो सकती है। और मैं तो इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, बटो मत। ये बांटने वाले लोग आपके दुश्मन हैं, आपके चेहरे पर मीठी मीठी बातें बोलेंगे, इनके बहकावे में मत आओ। और मैं तो कहता हूं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। बहन और भाइयों, इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को देखा है, 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश भी आप देख रहे हैं। यही अलीगढ़ था, यही अलीगढ़ था। हर 10 दिन में यहां कर्फ्यू लगता था या उपद्रव होता था। आज 7.5 वर्ष में कोई उपद्रव हुआ? कोई उपद्रव करने की हिम्मत कर पाएगा क्या? कोई गुंडागर्दी करने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? उसको भी मालूम है, जो उपद्रव करेगा, निर्दोष व्यापारियों की दुकानों पे आगजनी करेगा, बेटी और पान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, एक तरफ यमराज इंतजार करना होगा उसका, और दूसरी ओर बाप दादों ने अगर कोई संपत्ति अर्जित की है तो संपत्ति भी कब्जे में लेकर के गरीबों में बांटने का काम कर देंगे। बहन और भाइयों, ये यूपी के परसेप्शन को सुधारता है। ये यूपी वही यूपी है, हर तीसरे दिन दंगा होता था, कर्फ्यू महीनों महीनों लगता था, पर और केवल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं बनाए जाते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, अव्यवस्था का आलम क्या था कौन नहीं जानता है, कौन नहीं जानता है। गरीब को राशन नहीं मिलता था, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर उस समय इंदिरा आवास योजना 20,000 रुपये आता था, वह भी एक गांव में एक व्यक्ति को, किसी को शौचालय नहीं मिलता था, पेंशन भी केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को मिलती थी, शेष गरीबों को नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन। और बहनों और भाइयों, ये डबल इंजन की सरकार आई है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर 56 लाख गरीबों का एक एक आवास बन गया है, 56 लाख गरीबों का, 2,62,00,000 परिवारों के घर में शौचालय बन गया है, 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको उत्तर प्रदेश के अंदर वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में 12,000 रुपए सालाना सरकार उपलब्ध करा रही है, डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करा रही है। बहन और भाइयों, 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन पिछले 5 वर्ष से लगातार प्राप्त हो रहा है।
विकास भी, यानी गरीब कल्याणकारी योजनाएं भी है और विकास भी है। आज अलीगढ़ की कनेक्टिविटी, आज एयरपोर्ट आप पर चालू हो गया है, और यही नहीं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हब आज अलीगढ़ बन रहा है। सतेज कल्याण सिंह जी ने जो सपना देखा था अलीगढ़ के लिए, हार्डवेयर का एक सेंटर ये बने, यहां का ताला उद्योग भी पुनर्जीवित हो गया है, और साथ साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का भी एक महत्वपूर्ण हब बनकर के आज स्मार्ट सिटी के रूप में अलीगढ़ देश और दुनिया के अंदर अपनी एक नई पहचान बना रहा है। आज तो हमने आपकी विरासत के प्रति राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए उनकी नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी अलीगढ़ में कर दिया है। अब तो अलीगढ़ में अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय के लिए आपने ताली नहीं बजाई, लगता पढ़ने लिखने में रुचि नहीं है क्या? अरे विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ियों को बनाएगा, ये एक दिन के लिए नहीं है, कई कई पीढ़ियों को बनाने का कार्य करेगा। और याद करना, इसको एक प्रतिस्पर्धा में लेके आना है कि अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का विश्वविद्यालय वहां आगे बढ़ता है या ये भी आगे बढ़ता है। बहनों भाइयों, उस प्रतिस्पर्धा के लिए आज अलीगढ़ को खड़ा किया गया है। आज अलीगढ़ स्मार्ट सिटी है, अलीगढ़ आज स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। विकास और विरासत का यह अद्भुत समन्वय, सुरक्षा और समृद्धि का एक अद्भुत समन्वय, अलीगढ़ को एक नई पहचान दिला रहा है। और उन स्थितियों में भी अगर हम लोग उन लोगों को मौका देंगे जो लोग अपने करतूतों से ही जाने जाते हैं, कारनामों से ही जाने जाते हैं, समाजवादी पार्टी, इसकी पहचान क्या है, इसका असली चेहरा देखना है। अयोध्या में निषाद और कश्यप जाति की बेटी के साथ इनके नेता ने जो किया था, मोइन खान ने जो काम कृत्य किया था, वो किसी से छुपा हुआ है क्या? इनके एक नेता कन्नौज में भी है, उसने जो कृत्य किया था एक बेटी के साथ में। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज के लिए कलंक है। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, ये लाल टोपी काले कारनामे, इसको पनपने मत दीजिए। उत्तर प्रदेश को ये लोग फिर से जो विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके सुरक्षा और समृद्धि का एक मानक तय कर रहा है, यह फिर से उत्तर प्रदेश को अराजकता की ओर धकेल देगा। आपने देखा होगा कैसे ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, कैसे कैसे षड्यंत्र करते हैं, कितना इन्होंने झूठ बोला था, अफवाह फैलाई थी लोकसभा चुनाव के दौरान, आज तो एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट खटाखट, कहां वो खटाखट है? एक एक लाख रुपए देने की जो बात कही थी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, आज वो कहां वो पैसा है? ये खटाखट नहीं, ये चुनाव आया है, अब इनका सफाचट कर दीजिए, कर दीजिए, एक बार मौका दे दीजिए। और हमेशा के लिए याद रखना, जो आपकी सुरक्षा पे सेंध लगाए, जो आपके विकास में बाधक बने, जो अराजकता का प्रतीक हो, गुंडागर्दी का प्रतीक हो, गुंडों और अपराधियों को प्रश्रय देता हो, ऐसे लोगों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाना। बहन और भाइयों, जब हम लोग एक गलत व्यक्ति को प्रश्रय देते हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, वर्तमान पीढ़ी के वर्तमान को सुधर बर्बाद करते हैं, और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को भी हम खराब करने का काम करते हैं, ये कोई अधिकार हमें नहीं है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, ये बलदाऊ जी की कृपा भूमि है,
हरिदास जी महाराज की साधना से पवित्र की भी धरती है। इस धरती से संदेश स्पष्ट जाना चाहिए और वह संदेश बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि बटेंगे नहीं, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक का मतलब सुरक्षित रहेंगे। इस दिशा में हमें आगे काम करना है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए खैर विधानसभा के उपचुनाव में देखो कितना अच्छा एक संगम और समन्वय बना। श्री किशन लाल दिलेर जी और मैं दोनों एक साथ सांसद थे, कोई बड़े बुजुर्ग आदमी थे और सज्जन आदमी थे, ईमानदारी और सज्जनता की प्रतिमूर्ति थी स्वर्गीय किशन लाल दिलेर। और मैं यहां अलीगढ़ में जिससे भी बात करता हूं, हाथरस में जिससे भी बात करता हूं, हर व्यक्ति उनकी तारीफ करता है। 2017 में और उसके बाद 2022 में आपने श्री अनूप प्रधान को यहां पर विधायक के रूप में चुना। बहनों और भाइयों, अनूप प्रधान हाथरस के सांसद हैं और आज यहां पर उनके स्थान पर यहां पर अब श्री सुरेंद्र दिलेर को भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय लोकदल ने, एनडीए ने अपना समर्थन देकर के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना प्रत्याशी बनाकर के उभारा है। बहनों और भाइयों, एक ऐसी विरासत जो विकास और विरासत का समन्वय करने की सामर्थ्य रखती हो, उसी सद्भाव के साथ कार्य करने की सामर्थ्य रखती हो, जो सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन को अपने जीवन का हिस्सा मानती है, जिन्होंने सब और सब परिस्थितियों में, मुझे याद है श्री राजवीर सिंह दिलेर का टिकट कटा था, मैं चुनाव प्रचार के लिए आया था, इसी अलीगढ़ में मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा देखो पार्टी का जो निर्णय है, उन्होंने कहा पार्टी मेरी मां है, पार्टी का जो निर्णय होगा मैं उसको स्वीकार करूंगा, पार्टी का टिकट जिसको मिलेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जब मैं श्री अनूप वाल्मीकि के प्रचार के लिए आया था, मैं देख रहा था राजवीर सिंह दिलेर हर एक सभा में खड़ा है, साथ में खड़ा है। बहनों और भाइयों, राजवीर दिलेर को भी तमाम प्रलोभन मिले होंगे, लेकिन वे टस से बस नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी पैतृक परंपरा है कि मेरे पिता भी भाजपा के साथ आजीवन जुड़े रहे और मैं भी भाजपा के साथ आजीवन जुड़ा रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहते रहते अंतिम क्षण तक वह व्यक्ति कार्य करता रहा। आज सुरेंद्र दिलेर को उसने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने टिकट देकर के अपना प्रत्याशी बनाकर अपनी बीच उतारा है। मेरी आप सबसे अपील है, चुनाव चुनाव होता है, उपचुनाव को हल्केपन से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लोग उपचुनाव को लेकर के अक्सर मानते हैं चलो हो जाएगा, उत्साह का अभाव दिखता है, पब्लिक अपने कार्यों में व्यस्त रहती है। मेरी आप सबसे अपील होगी, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहां पर आए हैं, अगर आप गांव गांव जाकर के अभी से आप लीड करिए, मंच के नेता आपके पीछे पीछे रहेंगे, आप आगे आगे चल करके भाजपा को जिताने के लिए काम करिए, कमल फैलाने का काम करिए, सुरेंद्र दिलेर को जिताने का काम करेंगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, अलीगढ़ या खैर, सुरक्षा की भी गारंटी लेंगे और विकास का कार्य जितना आप यहां के लिए कहेंगे उतने विकास के कार्यों से आपकी खैर को भरने का काम भी करेंगे। आप लोग सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सुरेंद्र दिलेर को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग देंगे? तो फिर 20 नवंबर को याद रखना, 20 नवंबर को कमल चुनाव चिन्ह पर श्री सुरेंद्र दिलेर को
भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए आपको कार्य करना है। करेंगे करेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलो भैया, सबके हाथ नहीं उठे हुए, सब लोग अपने हाथ ला करके, दोनों हाथ ला करके बोलो, सभी लोग सहमत है, सभी लोग सहमत है, तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।